वेल गाइज, आज की वीडियो में मैं आप सबको MIUI 13 की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को अपने फ़ोन में इनेबल करके बताने वाला हूँ। और दोस्तों, इसे इनेबल या फिर एक्टिवेट करने के लिए आप लोगों के पास दो मेथड है। पहला मेथड है दोस्तों नो रूट, और दूसरा मेथड है रूट वाला। तो आप लोगों को कौन सा मेथड पसंद है, नो रूट या रूट? पहले गाइज मैं आप लोगों को यहाँ पर नो रूट वाली मेथड बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को रूट वाला मेथड बताऊँगा कि कैसे आप लोग अपने फ़ोन में नो रूट के माध्यम से या फिर रूट के माध्यम से कैसे आप लोग अपने फ़ोन में इस MIUI 13 की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल कर सकते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, आप उसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप लोग ये चीज़ करते हैं तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हमारे जो ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड होगा। तो आपका एक लाइक करने से दोस्तों आपका कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन आपका एक लाइक करने से मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। और जब मुझे बेनिफिट मिलेगी दोस्तों, तो मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा। तो गाइस, इस MIUI 13 की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल करने के लिए आप लोगों को फ़ोन में अगर पहले से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सपोर्ट मिलता है, तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को अपने सेटिंग में जाना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली ऑप्शन में जाना है। वहाँ पर आकर आप लोगों को कस्टम इमेज, जो MIUI 13 की कस्टम इमेज देखने को मिलता है, उसके थ्रू आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कस्टम इमेज है MIUI 13 की, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, आप लोगों को सिंपली अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाना है, और वहाँ पर कस्टम इमेज की जो ऑप्शन देखने को मिलता है वहाँ पर टैप करके आप लोगों को सिंपली इस फाइल को चूज़ करके यहाँ पर ओके कर देना। और दोस्तों, जब इस कस्टम इमेज वाली फाइल को चूज़ करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को और भी कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप लोग नोटिफिकेशन की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लॉक क्लॉक की पोजीशन को पॉइंट चेक कर सकते हैं, नन कर सकते हैं, टेक्स्ट की जो कलर है उसकी कलर वगैरह आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की दोस्तों आप लोगों को बहुत से कस्टमाइजेशन वहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये नो रूट वाला मेथड है। पर दोस्तों, अगर आप लोग रूट वाला मेथड को अपने फ़ोन में इनेबल करना चाहते हैं, तो वो उन्हीं डिवाइस में काम करेगा जिनमें ऑफिशियल आप लोगों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सपोर्ट नहीं मिलता। अगर आपके फ़ोन में ऑफिशियल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सपोर्ट मिलता है दोस्तों, तब आप लोग सिंपली कस्टम इमेज में जाने के बाद आप लोग इस फाइल को चूज़ करके अपने फ़ोन में MIUI 13 की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल कर सकते हैं। तब दोस्तों, उसके लिए तो आप लोग अपने फ़ोन में नो रूट करना होगा। नो रूट करके आप लोग अपने फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सपोर्ट को इनेबल करेंगे। और उसके बाद दोस्तों, आप लोग इस मेथड को फॉलो करते हुए अपने फ़ोन में सेम मेथड को आप लोगों को फॉलो करना है, और फॉलो करते हुए आप लोग भी अपने उस फोन में इस MIUI 13 की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को एक्टिवेट या इनेबल कर सकते हैं। अब गाइस, मैंने यहाँ पर नो रूट वाला मेथड आपको बता दिया। अगर रूट वाला मेथड बताऊंगा तो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा। फिर भी दोस्तों, अगर आप लोगों की कमेंट आएगी, आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, आप लोग कमेंट करेंगे कि मैं आप लोगों को रूट वाला मेथड भी बताऊँ, तो दोस्तों उसके लिए मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो बनाकर एक फुल ट्यूटोरियल, एक फुल गाइड मैं आपको बता दूँ। उसके लिए दोस्तों, मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी दोस्तों, उतनी जल्दी मैं आप लोगों को रूट वाली वीडियो भी बनाकर दिखा दूंगा कि अगर आपके फ़ोन में ऑफिशियल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सपोर्ट नहीं मिलता, उसमें कैसे हम लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सपोर्ट को इनेबल करेंगे और कैसे इस MIUI 13 की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल करेंगे। आई होप गाइस, वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने व्यूवर्स हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हमारे 94% to 95% जो ऐसे यूजर्स है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, तो उन लोगों से मेरी ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए।